वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में वीवो का V23 मॉडल और 2130 डिवाइस ने, तो इसमें अगर आपको ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम, ये हैंग टच की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, हैंग टच आपके जो है गलती से हो गया, हो जाता है कि सेटिंग में आपका कुछ चेंजेस हो गया हो और ये आपकी गलती से हैंग टच होने लग गया हो, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। बहुत ईजी है, सेम तरह से प्रोसेस करना, आपकी जो है ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है गाइस, मैं आपको स्टेप बता दूंगा, आपको सेम फॉलो करना। आप टू फिंगर से करेंगे ऐसे तो है आपका लॉक खुलेगा। ठीक है, फिर ये आप देखना, सिंगल फिंगर चलाएंगे तो टच नहीं चलेगी, इसमें टू फिंगर का यूज़ करेंगे तो ये टच आपकी वर्क करने लगेगी। ठीक है, सिंगल फिंगर में काम नहीं करेगा। तो अब हम जो है इसकी सेटिंग में जाएंगे। अरे मैंने ये सेट बाद में पासवर्ड भूल गया हूँ भाई, पासवर्ड नया बना। तो ये सेटिंग में जाने के बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखना, ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन होगा, ये मेन वाला एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस पर डबल टैप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जब ये ओपन आया था फिर हम टू फिंगर का यूज़ करेंगे, नीचे आएंगे डाउन साइड पे, यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन आएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पर डबल प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू हमारा ऑफ है, सिलेक्ट टू स्पीक भी ऑफ है, स्विच कंट्रोल ये जो है हमारा ये भी ऑफ दिखा रहा है एक्सेस, और ट्रू कॉलर रिकॉर्डिंग ये भी ऑफ दिखा रहा है। तो ये टॉल बैक जो है नीचे, ये ऑन है हमारा, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको डबल टैप करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डबल प्रेस करेंगे, स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा, स्टॉप करेंगे और ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो गई है। ठीक है गाइस, सेम तरीके से है आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को भी जो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर